तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुड डे लाइव ब्लॉग में। आज की ड्यूटी जो है मेरे गैंग में लगी है और हम अभी अपने कमरे से निकल गए हैं। तो हम अपने गैंग के टूल बॉक्स पे पहुंच गए हैं और ये देख पा रहे हैं, ये गैंग से संबंधित जितने भी उपकरण हैं सारे रखे हुए हैं। जो भी हमें काम करना होता है उस हिसाब से हमें यहाँ से सामान ले जानी होती है। हमें जहाँ काम करना है आज हम वहाँ पहुँच गए हैं, और हमें जो काम करना है लाइन पैकिंग के काम करना है, जहाँ पे लाइन नीचे दब जाती है तो उसे हम जैक या किसी और माध्यम की सहायता से ऊपर की तरफ उठाएंगे। उठने के पहले हमें क्या क्या करना होता है हम आपको अभी वीडियो में दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ग्रुप डी से संबंधित डेली जानकारी आपको उपलब्ध हो सके। लाइन को लेवल में लाने से पहले लाइन के नीचे, स्लीपर के नीचे जितने भी बेसाल्ट हैं सभी को अच्छे तरीके से साफ़ किया जाता है। बेसाल्ट की सफाई के बाद गज और कंसाल के माध्यम से लाइन को जांचा जाता है ताकि इससे पता लग पाए कि किस तरह की लाइन नीचे की तरफ दबी हुई है और किस तरह की लाइन ऊपर की तरफ उठी हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लाइन को ऊपर की तरफ उठाने के लिए एक विशेष प्रकार की जैक की आवश्यकता होती है, जो सब्बल के माध्यम से और गैंगमैन की सहायता से लाइन को एक लेवल में लाने के बाद स्लीपर के नीचे जितने भी बेसाल्ट हैं सब्बल के द्वारा उसे अच्छी तरीके से पैकिंग कर दी जाती है। बेसाल्ट की कुटाई और पैकिंग की प्रक्रिया ख़त्म होने के बाद जो खाली स्लीपर है उसको फिर से बेसाल्ट के माध्यम से भर दिया जाता है और इस तरह से जो है पैकिंग का कार्य पूरा होता है। तो मिलते हैं फिर से आपसे ग्रुप डी से संबंधित कुछ नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय रेलवे।